तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। कैनिज़ारो रिएक्शन हमने पढ़नी स्टार्ट करी थी सर। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर जो हमारा टॉपिक था बेटा, टॉपिक हमारा ये था कि सर कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर किस तरीके से हम एल्डिहाइड्स को कंडेंस करते हैं। एल्डिहाइड्स को कंडेंस करते हैं सर, ये कौन दिखाते हैं? ये सिर्फ वही कंपाउंड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है सर। डो नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इन दिस टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अल्कोहल एंड एसिड। ध्यान से देखना बेटा, ये हमने एग्जांपल लिए थे। दैट इज ये क्या है सर, सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या होगा सर, एल्डिहाइड होगा। साथ में कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। रिएक्शन करवा रहे हैं सर एक्वस KOH के साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ। अगर हम कंसंट्रेटेड KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो रिएक्शन करवाने पर सर क्या होगा? तो ध्यान से देखो बेटा क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है, कौन से वाला सर, ये वाला कार्बन या फिर ये वाला कार्बन भी ले सकते हैं सर हम। ये क्या करता है सर, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये रहा सर, ये रहा हमारे पास एक और हाइड्रोजन, ये अपनी तरफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा सर। ये वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी, इसके ऊपर क्या आएगा सर, पार्शियली चार्ज आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, कार्बन था, कार्बन ने जैसा कि कल मैं करा भी रहा था कि सर कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने सर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया सर। यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के साथ सर यहाँ पे हाइड्रोजन है और साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है। साथ में क्या है सर, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में हमारे पास क्या है सर, हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी इसकी फ्री है। तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है सर, एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है। यहाँ से क्या होता है सर, मोल्स टूटते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे बात आती है बेटा KOH की। KOH किस तरीके से टूटता है, KOH किस तरीके से टूटता है सर, यहां से हमारे पास KOH जो है एज एन हाइड्रोजन एंड ओके की फॉर्म में क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है। ओके क्या होता है सर, ओके मतलब ओके, ओके मतलब दैट इज ऑक्सी पोटेशियम। ऑक्सी पोटेशियम की फॉर्म में ब्रेक होता है सर, ऑक्सी पोटेशियम इस पे जाके क्या होता है सर, अटैच होता है और साथ में हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है सर, ये इस कार्बन पे जाके क्या होता है, अटैच होता है। दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक और हाइड्रोजन आता है। तो एक कार्बन है सर, साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज एक कार्बन के लिए क्या आता है सर, मिथ आता है। साथ में एन है सर और साथ में क्या आ रहा है, ओलाल है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास मिथेनोइक एसिड बन रहा है। अच्छा, मिथेनोइक एसिड यहाँ पे OH हो तब बनता है सर, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा बेटा, एनी गैस अबाउट इट? इसे बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है, तो अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और कोई भी मेटल आ जाए, तो मेटल के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, सोल्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सोल्ट। दैट इज इसे हम कह सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, कहां लिखूं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। That is a complete reaction. इसी के अंदर एक और reaction कर लेते हैं बेटा, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। That is अगर मेरे पास कुछ इस type का product हो, इस type के substances हो, that is sir benzaldehyde है, CHO, इसकी reaction करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं, just same, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास same molecule लेने पड़ेंगे ना CHO के साथ। तो पहले तो मुझे ये बताओगे बेटा, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, पोटेशियम मिथेनोइट, वेरी गुड बेटा, बट दैट इज, हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नो सर। ध्यान से देखो बच्चों, क्या है सर, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप है सर, ये कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन सर ये रहा। अब ये जो कार्बन है, इसने एक तो डबल बॉन्ड बना रखी है, एक सिंगल बॉन्ड बना रखी है और एक इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें सर, दैट इज ये कुछ इस तरीके का होगा सर, यहाँ पे क्या है हमारे पास CHO ग्रुप है, दैट इज सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप।
ये जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो एक तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और साथ में गैस है किस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड, दैट इज इसके ऊपर कोई भी टाइप का हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यही तो हमारी कंडीशन है। अच्छा सर यही कंडीशन है तो अब क्या होगा, अब मुझे बताओ बेटा अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कंसेंट्रेटेड KOH के साथ, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, क्या क्या बनेगा सर हमारे पास, जल्दी से बताओ बेटा। फिनाइल मिथेनॉल आएगा या बेंजीन मिथेनॉल आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, हमारे पास क्या आएगा सर, एक तो हमारे पास ये अट्रैक्ट करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा दैट इज यहां पे हमारे पास एक तो क्या बनेगा सर, ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया सर, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया दैट मींस यहाँ पे O के ऊपर क्या आ गया सर, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, साथ में क्या था सर, एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, इसका क्या नाम होगा सर, इसका नाम होगा हमारे पास मिथेनॉल, क्या नाम होगा सर, मिथेनॉल नाम होगा, तीन वैलेंसीज फ्री है, एक हाइड्रोजन कहाँ से आएगा सर, यहाँ से आएगा, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा सर, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बन था, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी, साथ में क्या आ जाएगा सर, ओके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओके, दैट इज ये हमारे पास क्या बनेगा सर, ये हमारे पास बनेगा पोटेशियम, एक बच्चे ने मुझे नाम बताया था पोटेशियम मिथेनोइट, तो अब की बार हमारे पास क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम बेंजेनोइट, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, क्या तो फिनाइल बोल सकते हैं बेटा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। चलो एक और रिएक्शन करो बेटा, अगर हम कुछ इस टाइप की रिएक्शन ले रहे हैं सर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हमारे पास क्या है सर, साथ में हमारे पास है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच in presence of concentrated KOH, then what will be the product, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, oh. जल्दी से बताओ बच्चों क्या प्रोडक्ट होगा, अच्छा चलो मुझे यही बता दो कि यहाँ पे सर हमारे पास ऑक्सीजन है ए वाला और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बी वाला, तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कौन करेगा सर, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा या फिर ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, विच ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन टूवर्ड्स इट, ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी, वेरी गुड बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ क्या कनेक्टेड है सर, बल्की ग्रुप कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे क्या सर, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये बेटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है सर, ओ एच ग्रुप बनने वाला है, दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेंजीन है सर, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है सर, ओ एच ग्रुप आएगा, और साथ में हमारे पास क्या है सर, हाइड्रोजन है, एंड द नेक्स्ट हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम दैट थिंग,
साथ में हमारे पास क्या आएगा सर, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग तो थी नहीं सर, साथ में हमारे पास क्या है, एच है सर, एच के साथ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, साथ में हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, ओ के आगे कनेक्ट हो चुका है, दैट इज सर फिर से हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम मिथनोएट बनेगा, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा सर, साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो बेंजाइल एल्कोहल, जो अभी अभी बना था बेटा, बेंजाइल एल्कोहल, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर चलो क्लियर है बेटा ये रिएक्शन, जल्दी से बताओ, भी हट गई वो ब्लैक स्क्रीन पे देना, ओके बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, यहां से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, क्योंकि कैनिजारो तो हम पहचान पाते हैं पर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो नहीं पढ़ पाते सर, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही है सर, रिएक्शन हो रही है विच इज मोर देन टू और मोर कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं सर, कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलो सर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सर नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेते हैं, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर, साथ में हमारे पास एक और कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, नो सर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है सर, ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, पर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा कहां से, दैट इज द क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कौन करता है सर, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, दैट इज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यहां से सर हमारे पास हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, दैट इज ये वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, तो कार्बन है सर, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा, साथ में हमारे पास क्या आएगा सर, हाइड्रोजन आएगा, साथ में एक कार्बन बचा हुआ है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी फ्री हो चुकी है, इसकी वैलेंसी भी फ्री हो चुकी है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaO है, साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा सर, हाइड्रोजन जाएगा दैट इज दिस कार्बन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये जो NaO है ये कौन से कार्बन पे जाएगा सर, इस वाले कार्बन के ऊपर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर, ONa आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर, हाइड्रोजन आएगा, ये इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड बनेगा, एक ओ जो तो है वो तो बेटा एज एन ओ एच बनेगा, एंड एक ओ हमारे पास जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ क्या कनेक्ट होगा सर, ओ एन ए कनेक्ट होगा, साथ में हमारे पास क्या हो रहा है सर, एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो रही है तो इंटरमोलिकुलर ही क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, दैट इज एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप भी आ रहा है, एंड उसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है सर, एसिड वाला पार्ट भी आ रहा है, That is a complete reaction known as intermolecular Cannizzaro reaction. समझ आई है बेटा, तो जल्दी से yes type करेंगे chat box में. Very good बच्चों. Next जो reaction है, next reaction है सर हमारे पास intermolecular Cannizzaro reaction, reaction occurs with same molecule which has more than two or more carbonyl groups present. अब ये भी तो किया. नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट आज स्टार्ट करेंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपने कुछ तो सुना ही होगा, कुछ क्या सुना है सर, हमें एक बात तो अच्छे से सुनी है, दैट इज सी ओ ओ एच, ये ग्रुप जिसमें होता है ना, इस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, कार्बोनिल ग्रुप तो हमने पढ़ा ही हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या है सर, अल्काइल ग्रुप है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, एल्डिहाइड कहते हैं, अगर दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे क्या कहते हैं सर, कीटोन कहते हैं, बट बात आती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अगर कार्बन के एक तरफ क्या लगा हुआ है सर, कार्बन लगा हुआ है, और एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, Then it is known as carboxylic acid. इसे हम क्या कहते हैं बेटा, carboxylic acid कहते हैं,
अच्छा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बिल्कुल बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होता है सर, अगर हमारे पास ये जो ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप हो, क्या हो सर, अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल क्या होता है सर, जो अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल के बनाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सर यहाँ पे R की जगह अराइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज एरोमेटिक, बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं सर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। दैट इज द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो टाइप के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड बच्चों, तो चलो सर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स के लिए हम लेके चल रहे हैं सर, सबसे पहले सबसे लोअर मेंबर, दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में हमारे पास क्या है OH है, और यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन ग्रुप लगा ही ना हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाओ, दैट इज पार्ट ए। बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि सर कार्बन तो है, साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, साथ में OH भी है, लेकिन अब की बार क्या आ गया सर, एक कार्बन आ गया। साथ में हमारे पास सी पार्ट है सर, सी पार्ट के अंदर क्या है, सी पार्ट के अंदर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि सर बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया सर, OH आ गया। तो तीन चीजें सर, तीन चीजों का नाम करना सीख लेते हैं। अच्छा कौन बताएगा मुझे तीनों के नाम, कोई बता सकता है क्या जल्दी जल्दी, मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथनोइक एसिड तो है ही नहीं बेटा। अच्छा हाँ है, बेंजोइक एसिड, वेरी गुड बेटा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, मेथनोइक भी कह सकते हैं। ध्यान से देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आता है सर, मिथ आता है, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा सर, सी ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, क्या आएगा सर, ओइक आएगा, दैट इज नोन एज मिथनोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अगर दो कार्बन लगे हो तो सर दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं सर, इथ लिखते हैं, साथ में सर सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा और साथ में क्या आएगा सर, ओइक एसिड, इथनोइक एसिड। और अगर दो कार्बन हो तो हमारे पास एक प्यारा सा वर्ड रूट है, दैट इज एस, तो हम इसे बेटा एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जैसा कि आपने क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बात करें बेटा इसकी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है सर, बेंजीन है, बेंजीन के लिए क्या आएगा सर, बेंजीन आएगा, बेंजीन तो आएगा सर, लेकिन लास्ट में हमारे पास सीओएच ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या कहते हैं सर, बेंजीनोइक एसिड। चलो सर इतनी कहानी क्लियर हो गई, यहां तक हम चीजें क्लियर हो चुकी है। अब सर कुछ ऐसा हो कि सर कार्बन है, डी पार्ट कर रहे हैं बेटा, कार्बन है, कार्बन के ऊपर सर लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में लगा हुआ है OH, इसकी जो वैलेंसी है वो किसी ऐसे कार्बन के साथ फिल्ड है जैसे उसके साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OH लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा सर। ई पार्ट हमारे पास कुछ एक और ऐसा ले लेते हैं सर, दैट इज बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक तो सर ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा हुआ है और साथ, अच्छा सॉरी, और तो पोजीशन पे सी ओ एच लगा हुआ है। एफ पार्ट कुछ और ले लेते हैं सर, कुछ और क्या लेंगे सर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के सामने सी ओ एच लगा हुआ है एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सर, सी ओ एच लगा हुआ है। डी ई एफ, किसी को पता है बेटा इनके नाम, डाइमिथनोइक एसिड, नहीं बेटा डाइमिथनोइक एसिड बोलते हैं उसे, लेकिन उसका एक कॉमन नेम होता है, इन सभी कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, वेरी गुड बेटा, दैट इज आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नेमिंग, वेरी गुड बेटा, आयुपैक नेमिंग आप सभी कर लोगे मुझे पता है बेटा, वेरी गुड बच्चों, आयुपैक नेमिंग सभी कर लेंगे, बट द कॉमन नेमिंग इज मशहूर, तो हम कॉमन नेमिंग कर लेते हैं, आयुपैक नेमिंग सभी ने कर लिया बेटा, इस बच्चे सभी ने बच्चों ने कर लिया इसकी, लेकिन इसका जो प्यारा सा कॉमन नेम होता है सर, कॉमन नेम कर रहे हैं हम इन सभी के,
आईयूपैक नेमिंग में तो आप माहिर हो चुके हो, आईयूपैक नेमिंग तो आप बिल्कुल झट से करके बता दोगे इसकी। कॉमन नेमिंग क्या होती है सर? कॉमन नेमिंग ये जो होता है सर, कार्बन कार्बन और साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसे हम क्या कहते हैं बेटा प्यार से? ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा सर, कुछ ऐसा आ जाएगी सर, यहाँ पे हमारे पास CH लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे CH लगा हुआ है, तो इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा? थैलिक एसिड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं सर? थैलिक एसिड। अच्छा सर, इसे थैलिक एसिड बुलाते हैं तो इसे क्या बुलाएंगे? यहाँ पे तो पैरा पोजीशन पे आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं सर? टेरिथैलिक एसिड, पी साइलेंट। एक है सर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, एक है सर हमारे पास थैलिक एसिड, एंड एक हमारे पास क्या है सर? टेरिथैलिक एसिड। तो ये तीन एसिड बेटा, जिस जिसको समझ आए जल्दी से यस टाइप करेगा, फिर दो और देखते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कर दिया क्या हमने? तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ तक हो चुके हैं सर, एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी। जी पार्ट जो है, जी पार्ट के अंदर क्या है सर हमारे पास? अगर कुछ ऐसा आ जाए कि सर बीच में तो हमारे पास लगा हुआ है CH2, यहाँ पे सर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे भी लगा हुआ है सर C डबल बॉन्ड OH। अच्छा बेटा आप मुझे इसकी आयुपैक नेमिंग बता दीजिए, कॉमन नेमिंग मैं बता दूंगा। एच पार्ट में कुछ ऐसा सर, यहाँ पे हमारे पास एक CH2 है, अगर इसकी जगह दो CH2 आ जाए तो साथ में क्या लगा हुआ है सर? सी डबल बॉन्ड हो OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है सर? सी डबल बॉन्ड हो OH लगा हुआ है। कौन बताएगा मुझे जल्दी से? इसमें क्या होगा सर? इसके अंदर हमारे पास क्या है? तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या आ जाएगा सर? प्रोप आ जाएगा। प्रोप आ गया सर, वेरी गुड। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा सर। वन और थ्री पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं सर? डाई ओइक एसिड लगे हुए हैं, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। बट इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा, प्यारा सा कॉमन नेम, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा, एक CH2 साथ में क्या लगे हुए हैं सर? सी डबल बॉन्ड OH लगे हुए हैं। इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा? मेलोनिक एसिड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मेलोनिक एसिड। एंड अगर सर दो CH2 ग्रुप लगे हो तो इसे हम क्या बुलाते हैं बेटा? इसे हम बुलाते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बुलाते हैं सर? सक्सेनिक एसिड। इसे बेटा मेलोनिक एसिड बुलाते हैं, इसे सक्सेनिक एसिड बुलाते हैं। और अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? थैलिक एसिड के बारे में पढ़ा, टेरिथैलिक एसिड के बारे में पढ़ा, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पढ़ा, एंड बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ा, फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ा, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा। इनसे ज्यादा एसिड नहीं आएंगे बेटा, दैट इज ओनली पार्ट्स व्हिच विल कम इन अवर नेक्स्ट फर्दर पार्ट। तो इतना बेटा अगर समझ आ गया है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से बच्चों। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई है जो समझ नहीं आ रही है सर, दैट इज बेसिकली फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस मेथड। तो ये क्या कह रहा है कि सर जो अल्डिहाइड्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से बनाते हैं सर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहला जो मेथड होता है बेटा वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी करेंगे आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की नीड नहीं है। सेकेंड जो पार्ट आएगा बेटा, सेकेंड पार्ट हमारे पास जो आएगा दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है सर? एडिशन ऑफ वाटर। वहां से भी हम क्या बना सकते हैं सर? एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आएगा बेटा, नेक्स्ट मेथड आएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एंड इसके बाद बेटा जो हमारे पास लास्ट मेथड आएगा, लास्ट मेथड नहीं एक और कर लेते हैं सर, दैट इज असाइल हैलाइड। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, असाइल हैलाइड, जिसे हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं या फिर एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। एंड जो लास्ट मेथड आएगा बेटा, लास्ट मेथड हम जिससे बनाएंगे दैट इज अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से हम क्या बनाएंगे सर? कार्बोक्सिलिक
एसिड बनाएंगे, दैट आर द फाइव बेसिक मेथड्स फ्रॉम विच वी प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर से सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आ रहा है सर, सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन। कि सर एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर दे तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे सर, दैट इज फॉर दिस अल्कलाइन KMnO4, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट है सर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। CrO3 ऑक्सैलेट, H2SO4 एसिडिफाइड, K2Cr2O7, इन तरीके के क्या लेंगे सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो हमें पता है सर, अगर हम ROH की ऑक्सीडेशन करते हैं इनकी प्रेजेंस में, दैट इज KMnO4 की प्रेजेंस में मैं इनकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो सर ये क्या बना लेंगे? RCHO बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर? RCHO बना लेंगे। RCHO की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी सर, क्योंकि ये इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड वो हमारे पास क्या बना लेंगे सर? एट लास्ट RCOOH बना लेंगे, दैट इज कॉमनली नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं सर, रिएक्शन आर मच इंपॉर्टेंट देन इट। द रिएक्शन अकर्स एज शोन बिलो, थोड़ी सी ऊपर हो गई, दैट इज सर कुछ कर लेते हैं CH3CH2, साथ में क्या लगा हुआ है सर? OH लगा हुआ है। इसके हम क्या करेंगे सर? ऑक्सीडेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे सर? अल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे। तो सर यहाँ से क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन आएगी सर, यहाँ पे क्या होगी हमारे पास? दैट इज यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे हमारे पास एक तो सर हाइड्रोजन है, और एक हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब दोनों हाइड्रोजन है, साथ में क्या सर? ऑक्सीजन है। ये क्या होंगे सर? रिमूव होंगे। दैट इज यहाँ पे हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट आएगा? CH3। साथ में क्या आएगा सर? सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, साथ में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ये H2 ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगी बेटा? बाहर हो जाएगी फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि हम काफी बार कर चुके हैं, तो मैं बार बार इसके अंदर नहीं जाना चाहता। एल्डिहाइड बना सर, एल्डिहाइड बना है, इसकी क्या करेंगे? फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। फर्दर ऑक्सीडाइज होने पे यहाँ पे सर हमारे पास CH3 है, यहाँ पे सर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये जस्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके बैठ जाएगी। क्या बना लेगी सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगी। दैट इज हमारे पास प्यारा सा एसिड बना है, एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन बेटा सभी को समझ आई क्या, या फिर किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गई है। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर अगर मैं रिएक्शन करवाऊं CH3 है सर, CH3 के साथ लगा हुआ है CH2, इसके 6 मोल्स और साथ में लगा हुआ है OH, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं सर, इससे कौन सा एसिड बनेगा? एसिड का नेम बताएं मुझे, एसिड का नाम जानना है बेटा मुझे, कौन सा एसिड बनेगा? IUPAC नेम बता दो बेटा मुझे उस एसिड का। जल्दी से बेटा, ज्यादा हेप्टेनोइक एसिड। वेरी गुड बेटा, दोनों का आंसर आ चुका है, हेप्टेनोइक एसिड। दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप तो एज इट इज रहेगा सर, लेकिन एक जो कार्बन है उसके साथ क्या आ जाएगा सर? COOH आ जाएगा। साथ में क्या है सर? CH3 है, और बीच में ये जो कार्बन है ना सर, दैट इज CH2, इसके कितने मोल्स बचेंगे सर? 5 मोल्स बचेंगे। दैट इज सर एक कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और एक 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में क्या लगाओ बेटा? ओइक एसिड लगाओ, दैट इज हेप्टेनोइक एसिड। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करें तो क्या हुआ सर? इसके अंदर मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा। दैट इज सर मैं कर रहा हूं CH3, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन, इसकी क्या करवा रहा हूं सर? ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं विद KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्या लिख दिया? ऑक्सीडेशन होगी सर, ऑक्सीडेशन होगी। ये ऑक्सीजन जस्ट इनके बीच में जाके क्या हो जाएगी सर? बैठ जाएगी। दैट इज CH3 के साथ क्या आ जाएगी सर? सी डबल बॉन्ड हो, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा सर? OH आ जाएगा। दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा हम बात करें कीटोन की, अच्छा इसके अंदर एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो मैंने कराया हुआ है कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सर। दैट इज CH3, एल्डिहाइड का तो हमने पढ़ लिया सर, अगर हम कीटोन की कराएं
सर कीटोन के लिए हमारे पास सी एच थ्री है, सी एच टू है, सी एच टू है, साथ में सर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में सर हमारे पास सी एच थ्री। इसकी हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। कौन सा बच्चा बताएगा मुझे कि क्या प्रोडक्ट होंगे एंड कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पे, कौन सा रूल फॉलो होगा अगर हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक प्यारा सा रूल फॉलो होता है, उस रूल का नाम बता दीजिए बेटा मुझे। पॉपअप्स रूल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, दैट इज आंसर आया है पल्लवी का। पॉपअप्स रूल होगा बेटा, प्रोडक्ट क्या होंगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, क्या कहता है पॉपअप रूल्स, पढ़ा हुआ है ना हमने लास्ट लेक्चर्स में। चलो मैं बता देता हूं, मैं बताऊं या बताओगे, प्रोपेनॉल, नहीं बेटा प्रोपेनॉल थोड़ी बनता है, दोनों एसिड बनते हैं, दोनों के दोनों एसिड बनते हैं बेटा, दोनों ही एसिड बनते हैं। चलो मैं करा देता हूं, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या होता है सर, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो सर हमारे पास क्या है, छोटे वाला ग्रुप होता है और एक हमारे पास क्या होता है सर, बड़े वाला ग्रुप होता है। तो जो छोटे वाला ग्रुप रहता है ना सर, वो तो एज इट इज रहता है सेम, और जो बड़े वाला ग्रुप होता है वो एक कार्बन से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एक कार्बन से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट इज बड़े कार्बन के अंदर क्या है सर, सी थ्री है, वो क्या बन जाएगा बेटा, सी टू बन जाएगा, दैट इज सी एच थ्री सी एच टू, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा सर, सी ओ ओ एच आ जाएगा। और जो छोटे वाला है सर, वो एज इट इज रहेगा, छोटे वाला क्या रहेगा सर, एज इट इज रहेगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास सी एच थ्री है, सी एच थ्री सी एच थ्री है, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा सर, सी ओ ओ एच रहेगा। दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा सर, इथेनोइक एसिड बनेगा। सी ओ एच दोनों तरफ आएंगे, फर्क सिर्फ इतना रहेगा बेटा, जो छोटे वाला ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा, जो बड़े वाला ग्रुप है वो एक कार्बन से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। ये बेटा जिस चीज को समझ आया जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, पहले भी कर चुके हैं हम, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड बच्चों, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं सर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज, ये क्या हो रहा है आज, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, मैं इसको अगली वाली स्लाइड पे डाल दूंगा। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, पहले तो यही कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है सर, एडिशन ऑफ वाटर, किसके अंदर कराएंगे सर, नाइट्राइल्स के अंदर। कौन बताएगा मुझे नाइट्राइल्स क्या होते हैं, नाइट्राइल्स क्या होते हैं बेटा, CN, that is, NO2, no beta, that is nitro groups, RCN, alkyl cyanide, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, nitriles कहते हैं, क्या कहते हैं, nitriles, इसके हमें क्या करवानी है, hydrolysis करवानी है। तो in this cyanides are hydrolyzed, इसके अंदर क्या होते हैं सर, cyanides जो होते हैं वो hydrolyzed होते हैं to form amides, क्या बनाने के लिए सर, amides बनाने के लिए, which further on hydrolysis yields carboxylic acid। तो ध्यान से देखो बेटा किस तरीके से रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है सर, आर सी एन है, आर सी एन की रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले आगे तो कुछ है नहीं ना, एच टू ओ के साथ, एच टू ओ के साथ रिएक्शन करवाते हैं सर। एच टू ओ के अंदर आप सभी को पता है कौन कौन से आयन होते हैं सर, एक तो एच पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है सर, ओ एच नेगेटिव होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं सर, आयन्स होते हैं। तो इन आयन्स की वजह से सर हमारे पास किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे आगे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है सर, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ। नाइट्रोजन है सर, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है सर, हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज एज एन बेस बिहेव करता है, लुईस बेस पड़े हुए हैं ना, जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटोन तो एज एन ब्रोंस्टिल लोरी हो गया ना,
एक्सेप्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, आर सी साथ में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज एन एच टू, और साथ में ऊपर हमारे पास क्या आएगी सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगी। तो आर सी डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या लगा हो सर, एन एच टू लगा हुआ, इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा, अमाइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, अमाइड। किसकी फॉर्मेशन होती है सर, अमाइड की फॉर्मेशन होती है। इसकी बेटा अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे आपको पता है बेटा, क्या पता है सर हमें, हमें कुछ नहीं पता, क्या पता है सर, दैट इज यहाँ पे H2O है, इसके अंदर कौन से आयन होंगे सर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। NH2 है सर, अभी भी क्या चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है, हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन ये वाली बॉन्ड क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तीन ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन को गेन करके क्या बनाएगा सर, अमोनिया गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। साथ में सर आर सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो चुकी है, यहाँ पे क्या आएगा सर, OH आएगा, OH आके अटैच हो जाएगा, इसे हम क्या बुलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कराते हैं। रिएक्शन छप जाए दिमाग में, इसलिए एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा सर, दैट इज CH3CH2, साथ में हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, साथ में हमारे पास लगा हुआ है CN, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे सर, नाइट्रोजन क्या चाहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिला, कार्बन को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगी। साथ में हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, कार्बन लगा हुआ है, साथ में एक और कार्बन लगा हुआ है। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे सर H2O के साथ, दैट इज क्या प्रेजेंट है सर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा, पर बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ेगा सर क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा। साथ में हमारे पास क्या है सर, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, वहां पे ऑक्सीजन OH आगे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा सर, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। किसकी फॉर्मेशन होगी सर, प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, जिस जिसको समझ आई है बेटा जल्दी से यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास सर तीन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, तीन मेथड बच चुके हैं, तीन मेथड रह चुके हैं, और साथ में हमारे पास क्या रह गया सर, साथ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस, ये सारा पार्ट रह गया है। मे बी एक क्लास या फिर वन एंड हाफ क्लास और लगेगी बेटा।